हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। तो अपन ने प्रीवियस वाले लेक्चर में देख लिया था कि भाई डायपोल की वजह से एक्सिस पर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता था, क्या होता है, वो अपन ने देख लिया था। साथ साथ अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी देखा था कि एक्सिस पे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या होता है। आज मैं आपको डायपोल को किस में रखूँगा भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन डायपोल को रखेंगे और उसके ऊपर जो भी कहानी है वो अपन सारी देखेंगे, ठीक है जी। तो देखना जरा, हेडिंग डालना डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिखोगे भाई? डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि डायपोल को किसमें देखेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन देखेंगे, ठीक है जी। डायपोल को किसमें रख देंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन रख देंगे। तो किस प्रकार क्या होगा जरा देखना। तो सुनना भैया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें डायपोल को रखने का मतलब क्या है कि ये माइनस क्यू चार्ज, और क्यू चार्ज आपको पता है कि डायपोल मतलब माइनस क्यू और क्यू को कुछ अल्पांश दूरी पर रख देते हैं, कुछ डिस्टेंस पर रख देते हैं, यानी कि 12 मान लीजिए, ठीक है जी। कुछ डिस्टेंस पर अगर अपन ने रख दिया तो क्या होगा जी, क्या कहलाता है सिस्टम, क्या कहलाता है? डायपोल कहलाता है, ठीक है जी। तो अपन, मैं आप लोगों से बात करूं, यदि मैं आप लोगों से बात करूं तो सुनना, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि इस वाले की वजह से भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए ए नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस वाले आवेश के ऊपर फोर्स लगेगा, किधर लगेगा भाई? इस तरफ लगेगा। कितना लगेगा? Q इंटू ए नोट लगेगा। और इस वाले आवेश के ऊपर फोर्स लगेगा किधर? इस तरफ लगेगा। और कितना लगेगा? Q इंटू ए नोट लगेगा। समझ में आ रहा है भाई? इस वाले आवेश के ऊपर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले आवेश की वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या है, इधर फोर्स लगेगा और इस वाले आवेश के ऊपर इस तरफ फोर्स लगेगा। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि नेट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इस सिस्टम पे, इस डायपोल पे, वो कितना होगा? जीरो होगा, ठीक है जी। ऐसे अपन मैं बात करूं, मान लीजिए इधर माइनस क्यू लिया था, इधर क्यू लिया था, मैं इधर माइनस, इधर प्लस क्यू ले लूं और इधर माइनस क्यू ले लूं, तो बात क्या होगी? तो अभी अपन बोलेंगे भाई इसके ऊपर क्या होगा, इधर आ जाएगा फोर्स क्यू ई नोट, और इसके ऊपर किधर आ जाएगा भाई? इसके ऊपर इस तरफ आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्यू ई नोट। तो नेट फोर्स अपन देख पा रहे हैं भाई, नेट के फोर्स क्या रहा है? नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या रहा है? जीरो आ रहा है भाई। नेट फोर्स क्या रहा है? जीरो आ रहा है। और टॉर्क भी क्या आएगा? टॉर्क भी क्या आएगा भाई? यहाँ पर जीरो आएगा भाई। मैं नेट टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क आपको समझ में आता है? टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ भाई। टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ। तो आप देख सकते हो अभी आर तो क्या है? यही है, और एफ भी क्या है? यही है, यानी कि और आर और एफ में एंगल कितना है? जीरो है। तो साइन जीरो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इट मीन्स टॉर्क क्या आएगा यहाँ पे? जीरो आएगा। आपको टॉर्क का आइडिया थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा, रोटेशन मोशन में टॉर्क वगैरह आता था, ठीक है जी। तो टॉर्क का आइडिया था, आप समझ सकते हो कि यहाँ पे टॉर्क क्या आएगा? जीरो आएगा। अब मैं आप लोगों से एक और कहानी की बात करता हूँ, सुनना यहाँ पर, इधर देखना। ये भी क्या लिया मैंने? यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, ठीक है जी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ले ली। अब मैंने क्या किया, आप लोग समझना कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है। अब मैं यहाँ पे जो डायपोल को जो रखूंगा वो कुछ एंगल पर रखूंगा भाई। डायपोल जो है वो कुछ एंगल पर होगा। तो किस तरीके से, सुनना जरा। मैंने डायपोल क्या किया, माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये 12 डिस्टेंस पे है, ठीक है जी। कुछ एंगल पर मैंने रख दिया, तो आपको पता है ये ए नोट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मान लीजिए एंगल कितना है? थीटा एंगल है। एंगल कितना है? थीटा है। तो सुनना जरा, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? किधर लगेगा? क्यू ई नोट। और इस तरफ जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा भाई? इस तरफ लगेगा, क्यू ई नोट। समझ में आता है? तो आप लोग पता है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि अभी भी नेट फोर्स तो क्या है? जीरो है भाई। ये क्यू ई नोट इधर है, क्यू ई नोट इधर है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट फोर्स क्या आएगा? जीरो आएगा। आप लोग चाहिए सिस्टम को ऐसे कर लो, कैसे इस प्रकार कर लो भाई, मैंने क्या कर दिया? इधर क्यू कर दिया, इधर माइनस क्यू कर दिया, और ये एंगल क्या हो गया? थीटा हो गया। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो किधर आएगा? इधर आएगा, क्यू ई नोट। और इसके ऊपर किधर आएगा? इस तरफ आएगा, टू ई नोट। तो आप लोग देख पा रहे होंगे नेट फोर्स अभी भी यहाँ पे क्या है? जीरो है। भाई अपन ने यहाँ पे इस तरीके से रखा था, थीटा क्या था? जीरो था। तब भी क्या था? नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों क्या थे? जीरो थे। यानी मैंने थीटा कुछ एंगल पर लिया है, तो आप लोग देख पा रहे हो कि नेट फोर्स तो क्या है यहाँ पर भाई? इस वाले केस में नेट फोर्स क्या है? ऊपर वाले दोनों केस में नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन मैं टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क अब यहाँ पे जीरो नहीं होगा। कैसे? देखना यहाँ पर भाई, टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ होता है, आर क्रॉस एफ। तो ये तो क्या है? आर हो गई। आर क्या होता है?
यहां से अपन एक तीर छोड़ेंगे और तीर छोड़ी तो भाई तीर कितना जाएगी, इस तरफ जाएगी, तो क्या होगा, आर की डायरेक्शन ये होती है और एफ क्या है, इस तरफ है, यानी कि आर की तरफ तो उंगलियां करेंगे और एफ की तरफ घुमा देंगे, एफ की तरफ घुमा देंगे, इट मीन्स ये क्या करेगा, ये तो इसको नीचे की तरफ लेके आएगा भाई, इसकी वजह से नीचे की तरफ जाएगी, इसकी वजह से ऊपर की तरफ, यानी इधर तो क्या है ऊपर, इधर ऐसे आएगा, अंदर की तरफ आ रहा है, इधर भी क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा, यानी कि हमें कुछ ना कुछ टॉर्क होगा, समझ में आ रहा है भाई, हमें कुछ ना कुछ टॉर्क होगा, टॉर्क जीरो नहीं होगा, यानी क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, नेट टॉर्क जो होगा वो जीरो नहीं होगा भाई, टॉर्क क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप बोलो लिख सकते हो, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स एफ नेट ऑन डाइपोल, एफ नेट ऑन डाइपोल इज जीरो, एफ नेट ऑन डाइपोल इज जीरो, बट टॉर्क नेट मे नॉट बी जीरो। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एफ नेट तो क्या होगा भाई, कोई सा भी केस हो एफ नेट तो जीरो होगा, लेकिन टॉर्क जीरो नहीं होगा, इतना आपको समझ में आना चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं, तो टॉर्क जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, वो अपन अब कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि भाई टॉर्क क्या होगा, तो टॉर्क क्या होगा वो अपन अब कैलकुलेट करते हैं। ये वाला ये अपन सिस्टम देखते हैं, ठीक है जी, इस वाले की अगर मैं बात करूं तो सुनना जरा, आप लोग बताया है, आप लोग क्या बताया, टॉर्क क्या होता है, पी क्रॉस यू होता है, टॉर्क क्या होता है, पी क्रॉस यू नहीं आर क्रॉस एफ, अपन जनरल फॉर्मूला बात करें टॉर्क का तो आर क्रॉस एफ होता है, किस तरीके से देखना है यहां पर भाई, यहां पे अगर ये मैं पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है, और यहां पे इस पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर एफ फोर्स इस तरफ लग रहा है, अगर एफ फोर्स इस तरफ लग रहा है, ठीक है जी, और क्या कर रहा हूं मैं, तीर छोड़ देना, ये क्या आर, ये है, ये क्या आर है, और आर की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी आर की डायरेक्शन, ठीक है जी, ये अगर एंगल थीटा मैंने मान लिया तो भी क्या होगा, थीटा होगा, तो आप लोग बोल सकते हो कि सर आर क्रॉस एफ जो होगा, आर क्रॉस एस एफ से जो वेक्टर आएगा, यानी जो टॉर्क आएगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ होगी, किस तरह होगी भाई, अंदर होगा टॉर्क, इसमें टॉर्क होगा कहां पे, होगा अंदर की तरफ होगा, समझ में आता है, तो कैसे लिखोगे आप टॉर्क को, इसमें टॉर्क कैसे लिखोगे, आर का मैग्नीट्यूड इंटू एफ का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, इस तरीके से लिख दोगे, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर, भाई यानी कि फोर्स एफ और क्या है आर वेक्टर के बीच का एंगल है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे यदि कोई फोर्स लग रहा है तो अपन यहाँ पे टॉर्क निकाल सकते हैं, और किस प्रकार निकाल सकते हैं, इस प्रकार निकाल सकते हैं आपको, तो भाई अपन टॉर्क की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है जी, देखना टॉर्क की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो आप लोग देखना यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पता है भाई अपन क्या करेंगे, अपन कर देंगे क्या, ये दिख रहा है आप लोगों को, टॉर्क अपन निकालेंगे, टॉर्क की तरफ अपन निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, कि भाई अपन देख सकते हैं कि ये जो सिस्टम था, ये जो सिस्टम था, इस वाले क्यू वाले चार्ज के ऊपर फोर्स इस तरफ लग रहा था, इस वाले क्यू वाले चार्ज के ऊपर फोर्स इस तरफ लग रहा है, ठीक है जी, तो क्या करेंगे भाई, तो अपन क्या करेंगे, अपन देख सकते हैं इसके ऊपर टॉर्क निकालेंगे, इसके ऊपर टॉर्क निकालेंगे, ठीक है जी, पहले मैं इसके ऊपर टॉर्क निकालता हूँ फिर इसके ऊपर टॉर्क निकालूंगा, ठीक है, तो पहले अपन उसकी इस वाले की बात करें, तो टॉर्क होता क्या एक्चुअली में, टॉर्क अपन ने देखा आर क्रॉस एफ होता है, आर क्रॉस एफ होता है, तो आर क्रॉस एफ की अगर मैं बात करूं, आर क्रॉस एफ की अगर मैं बात करूं, तो आप लोग देख सकते हो कि ये क्या होगा, आर ये होगा इसमें, और एफ क्या भाई इस तरफ है, तो टॉर्क क्या होगा अंदर की तरफ आएगा, टॉर्क क्या आएगा भाई अंदर की तरफ आ जाएगा, यानी कि इस वाले की वजह से क्या आएगा, अंदर की तरफ आएगा, और कितना आएगा, आप लोग क्या लिखोगे, टॉर्क नेट क्या लिखोगे भाई, इस चार्ज के ऊपर टॉर्क लिखे तो कैसे लिखोगे, आर मतलब आर क्या है यहां पे, एल है, आर क्या है, एल है, एफ क्या है, क्यू ई नोट है, एफ क्या है, क्यू ई नोट है, और साइन थीटा लिखेंगे, समझ में आ रहा है, और डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ है भाई, डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ है, प्लस प्लस क्या करेंगे, इस वाले के ऊपर टॉर्क लिखेंगे भाई, नेट टॉर्क निकाल रहे हैं इस डायपोल के ऊपर, तो इस वाले के ऊपर टॉर्क, इस वाले के ऊपर टॉर्क, दोनों को जोड़ देंगे, इधर क्या होगा भाई, आर क्रॉस एफ, इधर भी क्या आएगा, आर क्रॉस एफ क्या बताएगा, आर क्रॉस एफ अपने को डायरेक्शन बताएगा कि नेट जो टॉर्क होगा उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, तो क्या रहा है, इधर भी अंदर की तरफ आएगी भाई, आर तो ये होगा और एफ, इधर से बात करें तो ये आर की डायरेक्शन होगी इधर, तो आर क्रॉस एफ इस तरफ आ जाएगा, तो अपन देख सकते हैं अभी क्या आएगा, एल इंटू क्यू ई नोट साइन थीटा, और भी क्या आएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा, वो भी क्या आएगा, अंदर की तरफ ही आएगा, तो अंदर की तरफ आएगा तो दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, कितना आएगा, टू क्यू एल ई नोट साइन थीटा, ये आ जाएगा, समझ में आ रहा भाई, टॉर्क नेट क्या जाएगा, ये आ जाएगा, और किधर आ जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा,
अगर अपन मैग्नीट्यूड की बात करें, मैं आपको बताया कि डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ है नेट टोर्क की। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो आप लोग देख सकते हो मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो क्या रहेगा यहां पे 2QL। भाई पी का जो पी जो होता है वो क्या होता है 2QL होगा। भाई पी की बात करें यानी कि डाइपोल की बात करें, डाइपोल मोमेंट की बात करें तो क्या होगा 2QL होगा। तो पहले दो पी इंटू ई नोट इंटू साइन थीटा, ठीक है जी। आप इसको ई नोट बात लिखो, ई लिख लो, इसको भी फिर लिख देंगे ई लिख देंगे, ठीक है जी, इस प्रकार लिख देंगे। तो क्या आएगा टोक नेट का जो मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ टोक नेट, तो मैं कह सकता हूं इसको, आपको पता है कि जो पी क्रॉस ई होगा उसको कैसे लिखा जाता है, पी का मैग्नीट्यूड ई का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। यदि आप क्या निकाल रहे हो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, तो भी क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार ही लिखा हुआ है। तो क्या लिख दोगे आप लोग इसको सिंपली, इसका मैग्नीट्यूड क्या जाएगा भाई, इसको आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हो, पी क्रॉस ई लिख सकते हो, पी क्रॉस ई लिख सकते हो। यदि आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो सिंपली क्या लिख दोगे, पी क्रॉस ई, ठीक है जी। और अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है जी, अपने क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड इस प्रकार लिख देंगे, इट मीन्स अपन क्या लिख सकते हैं इसको, अपन चाहें तो सीधा सीधा ऐसा लिख सकते हैं, पी का मैग्नीट्यूड, ठीक है जी, ई का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। और आपको सब कुछ लिखना है, मैग्नीट्यूड भी लिखनी है, डायरेक्शन भी लिखनी है, तो क्या लिख दोगे, टोक नेट क्या जाएगा, पी क्रॉस ई, और डायरेक्शन क्या जाएगी भाई, अंदर की तरफ हो जाएगी, डायरेक्शन क्या जाएगी, अंदर की तरफ आ रही है इस वाले केस में। तो आपको याद रखना है जो टोक का जो फॉर्मूला आता है डायपोल में, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि डायपोल रखा हुआ है उसमें जो टोक का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, पी क्रॉस ई आ जाएगा, ठीक है जी। तो अपने को समझ में आना चाहिए। तो अपने देखा कि जो डायपोल जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है उसमें जो टोक का जो फॉर्मूला आ रहा है वो क्या रहा है, पी क्रॉस ई आ जा रहा है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि आप क्या करते हैं भाई, आर क्रॉस एफ करते हैं, टोक का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ, यहाँ पे आर क्या होगी, इसके लिए एल होगी, ठीक है। फोर्स क्या है, क्यू ई नोट, और इनके बीच का एंगल कितना है भाई, ये थीटा है तो भी थीटा होगा। तो आर क्रॉस एफ को क्या लिखते हैं, आर का मैग्नीट्यूड एफ का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप, ठीक है जी। तो आर का मैग्नीट्यूड एल एफ साइन थीटा और डायरेक्शन के अंदर की तरफ। इसी प्रकार इस पर भी क्या होगी, इस पर भी लिखेंगे, डायपोल पे निकालना है यानी कि इस वाले चार्ज के ऊपर भी निकालना है, इस वाले चार्ज के ऊपर भी निकालना है, समझ में आता है। तो हम बोल सकते हैं कि टोक जो होगा, टोक का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा भाई, टोक का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, टोक मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अरे आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है जी, मैक्सिमम जाएगा, और कितना आएगा मैक्सिमम, हम बोल सकते हैं पी ई आ जाएगा भाई, पी इंटू ई आ जाएगा, यानी कि पी का मैग्नीट्यूड इंटू ई का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सिंपली आप बोल सकते हो P इंटू ई क्या जाएगा, टोर्क का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। और यदि आप टोर्क मिनिमम निकालना चाहते हो, टोर्क मिनिमम निकालना चाहते हो, ठीक है जी, तो मिनिमम की बात करते हो उसे माइनस में आ सकता है, माइनस P आ सकता है भाई, माइनस P क्या आ सकता है, मिनिमम आ सकता है, ठीक है ना। तो टोर्क अपन क्या बात करें, थीटा बराबर 0 डिग्री पर टोर्क क्या जाएगा भाई, टोर्क 0 हो जाएगा भाई, थीटा बराबर 0 डिग्री पर टोर्क क्या जाएगा, 0 आ जाएगा अपन बोल सकते हैं, क्योंकि थीटा बराबर 0 पे साइन थीटा भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इट मीन्स टोक भी क्या जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि टोक 0 हो सकता है। अपन ने पढ़ लिया कि यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसमें नेट फोर्स तो 0 होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो, ठीक है जी। किसमें, डायपोल, अगर डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, यदि डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो नेट फोर्स तो 0 होगा ही होगा, लेकिन अपन बोल सकते हैं टोक 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो अपने देखा टोक का फॉर्मूला निकाल लिया, क्या है, पी क्रॉस ही आया। तो अपने ये देखा कि जो टोक 0 हो सकता है कहां पे होगा, जब थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब क्या होगा, टोक 0 हो जाएगा और बाकी सब केस में नहीं होगा। समझ में आ रहा भाई, टोक 0 हो जाएगा बाकी सब केस में नहीं होगा, कब, थीटा जब 0 होगा तभी टोक 0 होगा, बाकी सब केस में टोक 0 नहीं होगा, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, तब हम कुछ सब प्रॉब्लम करते हैं इसके ऊपर, टोक के ऊपर। आप लोग भाई 11th का आइडिया होना चाहिए इसको अच्छे से समझने के लिए, तो देखना जरा आगे अपन बात करें। तो अब आप लोग नेक्स्ट सेटिंग डाल लेना, मैं पहले टोक निकाल लिया कि टोक क्या आएगा, ठीक है जी। आप लोग नेक्स्ट सेटिंग डालना, क्या नेक्स्ट सेटिंग डालना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल जो होता है उसमें
क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी वो अपन देखने वाले हैं। तो देखना जरा कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार है, ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है जी। यहां पे देखना कि ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू। तो टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी, टॉर्क की जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी भाई, कुछ इस प्रकार आ जाएगी। ये क्या है टॉर्क की, यानी कि टॉर्क नहीं भाई, डायपोल की डायरेक्शन आ जाएगी। डायपोल कहां जाएगा, माइनस से प्लस की तरफ होता है पी, ठीक है जी। तो डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी। अब मुझे क्या करो, थीटा एंगल पे, अभी कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे आपको दे रखा है कि जो टॉर्क था यानी कि डायपोल जो था वो कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। अब मैं क्या कर दे रहा हूं, इस थीटा, इसको थीटा मत मानो आप, थीटा वन मान लो, क्या मान लो, थीटा वन मान लो, ठीक है जी। अब मैं क्या कर दे रहा हूं, इसको उठाया, इसको उठा के कहां ले गया, थीटा वन से थीटा टू पे ले गया, कहां ले गया, थीटा वन से थीटा टू ले गया, इस प्रकार, यानी कि माइनस क्यू से ये प्लस क्यू, थीटा वन से कहां ले गया, थीटा टू ले गया। अब थीटा वन से थीटा टू को ले जाने में, थीटा वन से थीटा टू तक ले जाने में आपको बताया कि इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा, इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा क्यू ई, और इसका फोर्स इधर लगेगा क्यू ई, और एक सिस्टम नीचे की तरफ आना चाहिए, ये सिस्टम नीचे की तरफ आना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है जी। तो मुझे थीटा वन से, इस थीटा वन से थीटा टू ले जाने में कुछ ना कुछ इसके ऊपर कार्य करना पड़ेगा, और क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, समझ में आ रहा है, वही कार्य क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। आपको वही पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है कि इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, अब जब अपन इस डाइपोल को थीटा वन से थीटा टू तक ले जाएंगे, किसमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो देखना जरा कैसा करेंगे, आपको पता है कि इसमें इंटीग्रेशन की आवश्यकता होगी, इंटीग्रेशन की आवश्यकता भाई निश्चित तौर पर होगी। तो देखना जरा कैसे, मैं यहाँ पे थोड़ा डायग्राम थोड़ा अलग बना दे रहा हूँ, आपने देखा कुछ ऐसा था, फिर बाद में क्या हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, मान लीजिए ऐसा कुछ हो जा रहा है, यहाँ पे पी ऐसा था और यहाँ पे पी कुछ इस प्रकार था, ये थीटा वन था, ये थीटा टू था। अब मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, थीटा पे जाके, थीटा पे जाके भाई, थीटा पे जाके डी थीटा डिस्प्लेस करा दिया, थीटा पे जाके क्या कर दिया, डी थीटा डिस्प्लेस कराया, और डी थीटा में क्या निकाल लेंगे, पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, थीटा पे जाके क्या किया, डी थीटा, और इस डी थीटा के अंदर कितनी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो निकाल लेंगे, और बाकी सब के लिए निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, समझ में आ रहा है। तो देखना कैसे करेंगे, तो अपन जानते हैं क्या, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल क्या होता है भाई, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल क्या होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है। देखना यहां पर, तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल अपन क्या लिखेंगे, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल मतलब यू थीटा वन माइनस यू थीटा टू, यू थीटा टू। तो अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो कैसे लिखोगे आप लोग, एफ डॉट डी एस लिख दोगे पहले, एफ डॉट डी एस, वर्क डन क्या होगा भाई, वर्क डन की बात करें तो एफ डॉट डी थीटा, एफ डॉट डी थीटा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, छोटा सा डी थीटा है, उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो अपने पास यू थीटा वन माइनस यू थीटा टू आ जाएगा। अब फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या होगा, यहां पर जानते हैं फोर्स क्या होगा, टॉर्क होगा। अपन वर्क डन क्या लिखा करते थे, एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन लिखा करते थे, एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, ठीक है जी। अपन रोटेशन में बात करते हैं, जब अपन रोटेशन में बात करते हैं तो एफ क्या होता है, टॉर्क हो जाता है, और डीएस क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा, समझ में आ रहा है। वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डीएस का इंटीग्रेशन होता है, लेकिन अपन टॉर्क की बात, यानी कि फोर्स को क्या लिख देते हैं, टॉर्क लिख देते हैं, और डीएस को डी थीटा लिख देते हैं, समझ में आ रहा है, किस वाले केस में, डायपोल वाले केस में, अपन क्या करते हैं इस तरीके से कर देते हैं। तो देखना भाई, टॉर्क डी थीटा अपने को निकालना है, ये क्या होगा, वर्क डन यानी कि वर्क डन भाई, यानी कि जो भी है अपने को थीटा वन से थीटा तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है वो आ जाएगा, और वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो टॉर्क निकालने कैसे निकालेंगे, देखना भाई, थीटा पे जाके, थीटा पे अपन टॉर्क निकालेंगे, तो आप लोग देख सकते हो टॉर्क कैसे जाएगा भाई। टॉर्क अगर मैं बात करूं, अगर थीटा एंगल पे अपन जाके टॉर्क निकालना चाहें, तो माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, उधर क्या आएगा, क्यू ही आएगा, इधर क्या आएगा भाई, इस तरफ क्यू ही आ जाएगा। तो टॉर्क क्या होगा, पी क्रॉस ई होता है भाई, टॉर्क क्या होगा, पी क्रॉस ई। तो क्या लिखोगे आप लोग, देखना यहां पर भाई, यू थीटा वन, यू थीटा वन माइनस यू थीटा टू, यू थीटा टू इज इक्वल टू क्या आएगा, टॉर्क क्या होगा भाई, पी ई, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मान लो ई है, साइन थीटा, साइन थीटा, ये वाला केस आपके पास, साइन थीटा और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी थीटा।
और एंगल की बात करें भाई, टॉर्क डॉट डी थीटा है, टॉर्क डॉट डी थीटा है, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल भी निकालना पड़ेगा अपने को, समझ में आ रहा है? तो इन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे? आप लोग देख सकते हो कि जो टॉर्क होगा वो तो अंदर की तरफ होगा, टॉर्क क्या होगा? अंदर की तरफ होगा, जो टॉर्क आएगा वो तो क्या आएगा? अंदर की तरफ आएगा भाई, टॉर्क तो अंदर की तरफ आएगा, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है भाई, डिस्प्लेसमेंट का अगर अपन निकाले, डिस्प्लेसमेंट वो क्या हो रहा है? बाहर की तरफ हो रहा है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है थीटा जो है वो क्या है? बाहर की तरफ है। तो टॉर्क और थीटा के बीच में एंगल कितना हो जाएगा भाई? कोस 180 रख देंगे, कोस 180, समझ में आ रहा है? तो अपन इसको इस प्रकार कर देंगे, तो देखना आगे, यू थीटा वन माइनस यू थीटा टू क्या हो जाएगा आपके पास? आ जाएगा भाई कोस 180 तो माइनस वन हो जाएगा, कोस 180 तो माइनस वन हो जाएगा, और पी को आप बाहर ले लो, पी को आप बाहर ले लो, ई को भी बाहर ले लो, अंदर बच जाएगा साइन थीटा डी थीटा, अंदर क्या बच जाएगा? साइन थीटा डी थीटा बच जाएगा, और विथ माइनस साइन, विथ माइनस साइन, ठीक है जी। और इंटीग्रेट कहाँ से आता करेंगे? थीटा वन से थीटा टू, तो देखना आगे सोल्व करेंगे। तो यू थीटा वन माइनस यू थीटा टू आएगा कितना? साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? माइनस कोस, भाई कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, तो कोस का इंटीग्रेशन साइन होगा। तो हम बोल सकते हैं कि कोस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? माइनस कोस थीटा होगा। तो माइनस कोस थीटा, माइनस पी तो बाहर है ही, और इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस कोस थीटा, और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक कर देंगे? थीटा वन से थीटा टू। तो थीटा वन से थीटा टू अगर आप लोग इंटीग्रेट करोगे तो आप लोग देखना, माइनस को आप लोग बाहर ले लो, माइनस को आप लोग बाहर ले लो, ताकि पास आ जाए यू थीटा वन माइनस यू थीटा टू, पी कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन, इस प्रकार आ जाएगा भाई, पी कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन आ जाएगा, समझ में आ रहा है? और आपको पता है कहीं ना कहीं अपने को भाई क्या गया? पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन आ गया, पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन इस प्रकार आ गया। लेकिन यदि आपको किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, यदि आपको किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, मान लीजिए आपको थीटा वन पे निकालनी है, आपको थीटा वन पे निकालनी है, आपको थीटा टू पे कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। अपने देखा है भाई, अपन यहाँ पे अगर क्या मानते हैं, अगर मैं यहाँ से एज हाइट ऊपर जा रहा हूँ तो एम जी एच पोटेंशियल कितनी, पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें स्टोर होती है वो कितनी हो जाएगी? एम जी एच हो जाएगी। कब? जब यहाँ पे जीरो मानते हैं। तो अपने क्या करना पड़ेगा देखना, यहाँ पर मैं क्या कर दे रहा हूँ, मैं क्या कर दे रहा हूं भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो थीटा टू जो है, थीटा टू जो है उसको मैं क्या ले रहा हूं भाई, थीटा टू यानी कि इस तरफ जब डाइपोल हो जाएगा, इस तरफ जो हो जाएगा, इस तरफ जब हो जाएगा तो आप लोग देख सकते हो यानी थीटा टू क्या हो जाएगा, जब 90 डिग्री हो जाएगा भाई, थीटा टू जब 90 डिग्री हो जाएगा तो आप लोग देख सकते हो कि जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट यू थीटा टू जो आएगा वो क्या जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो आप लोग देखना क्या आ जाएगा अपने पास, तो अपन क्या दे सकते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तो अपन क्या कर दे रहे हैं भाई, यू थीटा वन अपने को निकालना है, यू थीटा वन यदि अपन को निकालना है तो ये तो क्या हो गया भाई, जीरो हो गया, इजिकल टू क्या गया? पी यू थीटा टू क्या जाएगी? जीरो हो जाएगी, और थीटा टू को 90 रख दो, ठीक हो जाएगा भाई, थीटा टू टू को 90 पुट कर दो तो क्या जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, और आपके पास क्या जाएगा? माइनस पी, माइनस पी कोस थीटा वन आ जाएगा। आप लोग ध्यान से देखो क्या जाएगा भाई, ये तो जीरो हो जाएगी, ये तो जीरो हो जाएगी, और यहाँ पे आप लोग 90 पुट कर दोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, इधर नहीं इधर पुट कर दोगे थीटा टू की जगह तो भी जीरो हो जाएगा। तो यू थीटा वन कितनी जाएगी भाई? माइनस पी कोस थीटा वन आ जाएगी, यानी क्या, वो जीरो से थीटा वन ले जाने में, यानी कि जैसे एक पार्टिकुलर पॉइंट पे थीटा वन पर ले जाने में कितनी एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगी वो आप निकाल सकते हो, क्या? माइनस पी कोस थीटा वन, ठीक है जी। यानी कि आप लोग बोल सकते हो, आप लोग इसको आगे और सोल्व कर लो, तो बोल सकते हो यू थीटा वन कितना जाएगा? माइनस पी डॉट ई, भाई माइनस पी डॉट ई, आपको थीटा वन एंगल ले जाने में कितनी एनर्जी स्टोर हुई उसके अंदर, आपको कितना कार्य करना पड़ा वो कितना जाएगा, वो क्या हुआ? एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, और कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी? माइनस पी डॉट ई एनर्जी स्टोर हो जाएगी। इट मीन्स मैं आपको चाहूँ तो देखो ये डायग्राम भी बना सकता हूँ, इसके लिए ये डायग्राम बना सकता हूँ, कैसे? इधर देखना, इस प्रकार ये पी है, ठीक है जी, ये क्या है? थीटा वन, ये क्या है? थीटा वन, यानी कि मुझे यहाँ से जीरो से थीटा वन तक ले जाने में, जीरो से थीटा वन तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है वो क्या जरा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, और वो क्या होगा? ये हो जाएगा माइनस पी डॉट ई हो जाएगा।
तो देखना भाई माइनस पी डॉट ही हो गया। ये क्या आ रहा है भाई, यू एट थीटा वन क्या आ रहा है, माइनस पी डॉट ई। कब आ रहा है, कब आ रहा है, जब अपन ने क्या मान लिया, अपन क्या मान लिया, वेन वेन यू थीटा टू इज इक्वल टू जीरो। यू थीटा टू क्या मान लिया, जीरो मान लिया, और वो जीरो होगी भी बट वेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे यू थीटा टू क्या जाएगा, जीरो हो जाएगा। तब अपन ऐसा मान लेंगे तो अपन लिख सकते हैं यू थीटा वन क्या जाएगा भाई, माइनस पी डॉट ई आ जाएगा। आपको याद रखना है कि यू थीटा वन क्या जाएगा, माइनस पी डॉट ई, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको निकालनी है, समझ में आ रहा है, या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यानी किसी पर्टिकुलर एंगल पे, किसी पर्टिकुलर एंगल पे यदि आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो क्या जाएगी, माइनस पी डॉट ई आ जाएगी। आपको ऐसा याद रखना है, ठीक है जी। तो अपने देखा कि जो डाइपोल होता है उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या जाएगी, ऐसा आपको समझ में आना चाहिए। अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट बात करना चाहता हूं, क्या डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल को अपन क्या करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर देंगे। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्या जाएगा, यू थीटा, यू जो थीटा आ रहा है, यू थीटा आ रहा है वो कितना रहा है, माइनस पी डॉट ई आ रहा है, जहां पर थीटा क्या है, एंगल है, एंगल बिटवीन देम है, किसमें अपन देख सकते हैं एंगल, अपन एंगल निकाल सकते हैं P डॉट E के बीच का एंगल, अपन निकाल सकते हैं P और E के बीच का एंगल अपन निकाल सकते हैं भाई, थीटा क्या है, P और E के बीच का एंगल है। तो अब लिखेंगे ना डाइपोल, डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे निकालेंगे जरा देखना, मान लीजिए भाई ये Q है, ये प्लस Q है, ये क्या डाइपोल है, 12 डिस्टेंस पे रखा हुआ। अब मैं बात कर रहा हूं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, नॉन यूनिफॉर्म मतलब डायपोल पहले तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ था, अब मैं चार्ज क्या कर दे रहा हूं, मैं इसके पास में रख दे रहा हूं, चार्ज कहीं ना कहीं इसके पास में रख दे रहा हूं। मान लीजिए भाई यहां से कहीं ना कहीं एक्स डिस्टेंस पे मैंने चार्ज रख दिया, एक्स डिस्टेंस पे या फिर आर डिस्टेंस पे मैंने चार्ज रख दिया। अब इस चार्ज की वजह से क्या हुआ, इसको अलग यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नहीं होगी, सेम नहीं होगी। अब इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो अलग आएगी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अलग होगी, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अलग अलग होगी हर जगह इस क्यू वाले चार्ज की वजह से। आपको निकालना है भाई, प्रॉब्लम है एक तरीके से, आप लोग लिख लेना क्या, फाइंड फाइंड नेट फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू क्यू, क्यू की वजह से जो ये डायपोल है इसके ऊपर नेट फोर्स आपको निकालना है। किस तरीके से निकालोगे जरा देखना, बेगन बात करें नेट फोर्स की इस डायपोल के ऊपर, तो कैसे निकालोगे भाई, आपको इस डायपोल की फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन डायपोल ड्यू टू चार्ज क्यू, समझ आ रहा है, यानी कि इस क्यू चार्ज की वजह से इस डायपोल के ऊपर क्या फोर्स लग रहा होगा, ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। तो आप लोग यही बोल सकते हो कि सर जो एक क्यू चार्ज जो है, बड़ा वाला जो क्यू चार्ज है, इसकी वजह से जो डायपोल के ऊपर फोर्स लगेगा वो क्या होगा, डायपोल भी उतना ही फोर्स उसके ऊपर लगाएगा। तो आप लोग बोल सकते हो कोई सा ही फोर्स निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये निकाल रहा ये किसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, मैं निकाल ले रहा हूँ कि ये डायपोल इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है। अब मैं वो निकाल लूंगा तो भी बात बराबर ही है, उतना ही फोर्स क्या लगेगा, क्यू डायपोल के ऊपर लगाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस सिस्टम की वजह से इसके ऊपर फोर्स निकाल ले रहा हूँ। तो सुनना जरा कैसे आएगा, तो इस फोर्स क्यू चार्ज के ऊपर जो फोर्स आएगा वो कैसे आएगा सुनना, इसकी वजह से अपन निकाल लेंगे, इसकी वजह से निकाल देंगे और दोनों को जोड़ देंगे भाई, दोनों को जोड़ देंगे। तो सुनना यहाँ पे, इसकी वजह से जो इसके ऊपर फोर्स आएगा वो किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा भाई, तो अट्रैक्ट करेगा और ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा और एक रिपेल करेगा। तो कैसे लिखेंगे जरा सुनना, इसकी वजह से ज्यादा होगा, इसकी वजह से क्या होगा, कम होगा। तो क्या लिखेंगे, के क्यू क्यू, और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी भाई, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर प्लस, भाई आप लोग देख सकते हो कि कौन सी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर माइनस एल आ जाएगी, और ये जो डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आएगी, आर प्लस एल आ जाएगी। तो क्या लिखूंगा, के क्यू क्यू आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। आप क्या करें भाई, के क्यू क्यू कॉमन ले लें और क्या जाएगा, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर लेके आ जाओ, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पावर टू।
इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है जी। ये क्या जाएगा, एफ एफ नेट आ जाएगा, एफ नेट। तो सुनना जरा भाई, सुनना कैसे करेंगे। एफ नेट जो आ जाएगा के क्यू क्यू, ऊपर आ जाएगा फोर आर एल, ऊपर आ जाएगा फोर आर एल। और यहां पे क्या आर क्या है, बहुत बड़ा है, आर क्या है बहुत बड़ा है एल के कंपेरेटिव में, तो अपन एल को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो नीचे आ जाएगा फोर आर एल, नीचे आ जाएगा आर क्यूब। आप लोग निकाल के देखो क्या आएगा, आर क्यूब आ जाएगा। तो इससे कट जाएगा भाई, इससे यहाँ पे आर की पावर फोर आ जाएगा और एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप लोग देखना एफ नेट क्या जाएगा, एफ नेट आ जाएगा भाई। आप क्या करो, टू क्यू एल को तो क्या रख दो, पी रख दो, तो टू के पी क्यू, टू के पी क्यू अपॉन आर क्यूब आ जाएगा, टू के पी क्यू अपॉन आर क्यूब एफ नेट आ जाएगा भाई। किसकी वजह से आ गया, इस डायपोल की वजह से, इस क्यूब पे आ गया। तो वही फोर्स क्या होगा, क्यू इस डायपोल के ऊपर लगेगा भाई, वो फोर्स क्या होगा, क्यू इस डायपोल के ऊपर लगेगा। समझ में आ रहा है, तो यही कहानी है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो रहा है कि इसके ऊपर यानी कि इसके ऊपर फोर्स अलग होगा, इसके ऊपर फोर्स अलग होगा। यूनिफॉर्म में क्या हो रहा था भाई, इलेक्ट्रिक यानी कि फोर्स क्या, यानी कि अपन बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड भाई, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले चार्ज की वजह से अलग होगी, यहाँ पे इधर क्या होगी अलग होगी। अपन ने देखा यूनिफॉर्म में क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही थी, इसके ऊपर भी सेम, इधर किसी भी पॉइंट पे निकालो हर जगह क्या रहेगी, सेम आएगी। समझ में आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, ठीक है जी। तो देखना है यहाँ पे आगे, आगे अपन बात करें तो क्वेश्चन अपन ने कर लिया, अपन ने ये भी देख लिया कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉब्लम कैसे सोल्व किया जाता है भाई। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉब्लम यदि आपके पास आता है तो आपको सोल्व करना आना चाहिए, अपन ने देख लिया कैसे किया जाता है, ठीक है जी। आप सुनना आगे, मान लीजिए ये माइनस क्यू है, ये क्यू है, ये क्या डिस्टेंस, वही ट्वेल्व है, डिस्टेंस क्या है ट्वेल्व है। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या भाई, यहाँ पे अगर ए वन है तो यहाँ पे कितनी होगी, ए टू होगी। तो यहाँ पे ए वन इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे कितनी होगी, ए टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर यहाँ पे ए वन है तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, इधर लगेगा कितना, क्यू ए वन। और इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, इधर लगेगा कितना, क्यू ए टू। समझ में आता है, अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं इस डायपोल के ऊपर, इस डायपोल के ऊपर नेट फोर्स की बात करूं तो क्या लिखूंगा भाई, सुनना, क्यू ए टू माइनस ई वन, इस तरीके से लिख दूंगा भाई, क्यू ई टू माइनस ई वन लिख दूंगा। देखना यहाँ पे क्या जाएगा, एफ नेट क्या जाएगा, क्यू इसको मैं भाई बहुत छोटा है, अगर ए टू माइनस ई वन बहुत छोटा है तो मैं इसको डी डी लिख दूंगा। और ऊपर नीचे में क्या कर दे रहा हूँ, डी आर से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ऊपर नीचे कर दे रहा हूँ, डी आर से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो जो एफ नेट जो आ जाएगा, एफ नेट जो आ जाएगा, आप लोग देखना क्या जाएगा, एफ नेट क्या जाएगा, क्यू डी बाई डी आर इंटू डी आर। समझ में आ रहा है, आप लोग मान लीजिए डिस्टेंस क्या है, डी आर है, मैं इनके बीच की दूरी है क्या है, डी आर है, मैं इनके बीच की दूरी क्या है, डी आर है भाई, बहुत छोटी सी दूरी है, बहुत छोटी सी दूरी है इनके बीच की। और उससे मैंने क्या कर दिया, उनके बीच की जो दूरी है उससे क्या कर दिया, मैंने डिवाइड कर दिया भाई। इन डायपोल के बीच की जो दूरी है भाई, वैसे ट्वेल्व भी क्या होती है, बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। तो मैंने क्या कर दिया, डी आर मान लिया और डी आर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सुनना यहां पर, तो यहां पर देखो क्यू इंटू डी आर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू डी आर हो जाएगा पी, क्यू इंटू डी आर क्या हो जाएगा भाई, पी क्या आएगा, पी जो आएगा वो क्या आएगा, क्यू इंटू डी आर आएगा। आप लोग समझ में आना चाहिए, तो क्या करेंगे भाई, क्यू इंटू डी आर के जो पी रख देंगे पी, और पी इंटू डी अपॉन डी आर आ जाएगा, पी इंटू डी अपॉन डी आर आ जाएगा। समझ में आ रहा भी, तो इस तरीके से अपन कर देंगे, तो पी इंटू एफ नेट इज इक्वल टू पी इंटू डी अपॉन डी आर। अगर आपको मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो क्या लगा देंगे भाई, मैग्नीट्यूड चिपका देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो मैं अपन देख लिया कि एफ नेट क्या जाएगा, एफ नेट क्या जाएगा भाई, इसको इस तरीके से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ नेट का नाम आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या जाएगा, पी डी अपॉन डी आर आ जाएगा। आप लोग जो अपने पहले वाला जो प्रॉब्लम किया था उसको भी आप इस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। तो आप लोग ये याद रखना, एफ नेट क्या जाएगा, पी, यानी कि अगर आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि आपके पास आपसे फोर्स पूछा गया है, क्या पूछा गया, फोर्स पूछा गया है, तो आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है जी। तो किस तरीके से निकाल लोगे, इस फॉर्मूले को यूज करके आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है जी। तो भाई सुनना जरा, तो सुनना जरा, अपन एक प्रॉब्लम कर लेते हैं इसके ऊपर, इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम करते हैं, आपको थोड़ा कंसेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। किस तरीके से, सुनना, मैंने क्या किया, मैं माइनस क्यू चार्ज लिया, एग्जाम्पल सुनो, एक क्यू चार्ज है, ये एक क्यू चार्ज है,
इसकी वजह से आपको निकालना है r डिस्टेंस पे, क्या निकालना है इसकी वजह से आपको r डिस्टेंस पे क्या निकालना है, ये डाइपोल है भाई, डाइपोल है, इसको आपको नेट फोर्स निकालना है, फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू कैपिटल क्यू, ठीक है जी, नेट फोर्स निकालना आपको डाइपोल के ऊपर इस कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से। तो कैसे निकालोगे, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है, एफ नेट क्या होता है, पी डी अपॉन डी आर, डी अपॉन डी आर होता है। और आपको पता है कि इसकी वजह से, इस क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो डी अपॉन डी आर क्या आएगा भाई, डी अपॉन जो डी आर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस टू के क्यू अपॉन आर क्यूब आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, तो ये आ जाएगा। तो इस डी अपॉन डी आर को उठा के यहाँ पे चिपका देंगे, डी अपॉन डी आर को उठा के यहाँ पे चिपका देंगे, तो एफ नेट कितना जाएगा भाई, एफ नेट आ जाएगा क्या, पी टू, मैग्नीट्यूड निकालना अपने को, तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, क्या जाएगा टू के, ये पी तो पी है, क्यू अपॉन आर क्यूब। आप लोग देख सकते हो ये वाला प्रॉब्लम अपन ने भी किया था थोड़ी देर पहले, और ये प्रॉब्लम अपन ने कैलकुलेट किया था भी थोड़ी देर पहले, समझ में आ रहा है, और उसमें से क्या टू के पी अपॉन आर क्यूब आया था। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो। अब देख लें, प्रॉब्लम कर लेते हैं, लास्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है सुनना, मैंने क्या किया भाई, एक इन्फाइनाइट वायर लिया, एक इन्फाइनाइट चार्ज वायर लिया, इन्फाइनाइट चार्ज वायर लिया, लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इसके ऊपर, ठीक है जी। अब क्या कर रहा हूं मैं, इससे मान लीजिए आर डिस्टेंस पे ठीक है डाइपोल है, क्या है डाइपोल है, तो आपको निकालना फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज वायर, ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज वायर। तो कैसे निकालोगे, डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स निकालना है इस इनफाइनाइट चार्ज वायर की वजह से। तो क्या करोगे, आपको पता है कि इस इनफाइनाइट चार्ज वायर की वजह से क्या होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो क्या आएगी, टू के लैम्डा बाई आर आएगी, टू के लैम्डा बाई आर आ जाएगी। और आपको पता है कि जो फॉर्मूला आता है, जो पहले फोर्स फॉर्म का फॉर्मूला निकाला, फोर्स का क्या था, पी डी अपॉन डी आर, पी डी अपॉन डी आर इस प्रकार आएगा, ठीक है जी आएगा। तो देखना यहां पर, तो डी अपॉन डी आर कैसे निकालेंगे, डी अपॉन डी आर भाई माइनस टू के लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे आर के रेस्पेक्ट में तो यह जाएगा। आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो मोड़ लगा दीजिए। तो क्या कर दोगे भाई, एफ नेट जो आएगा, एफ नेट जो आएगा फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या जाएगा, पी इंटू टू के लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि टू के पी लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगा। समझ में आता भी, तो आप तो अपन ने आज की क्लास में पढ़ लिया कि जो डायपोल जो होता है उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने रखा, अपन ने देखा कि उस डायपोल के ऊपर नेट फोर्स क्या होता है भाई, जीरो होता है। आप कैसे भी रखो, कैसे भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसमें नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन नेट टॉर्क जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अपन ने कैलकुलेशन किया टॉर्क की, और टॉर्क क्या है, पी क्रॉस ए अपन ने निकाला, ठीक है जी। फिर उसके बाद अपन ने क्या किया, डायपोल की वजह से डायपोल में जो एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है जी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर अपन ने डायपोल को रख दिया तो जो उसमें एनर्जी का जो फॉर्मूला आया था, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, माइनस पी डॉट ई आया था। यानी कि अगर थीटा एंगल पे आपने रख दिया, थीटा अगर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच का एंगल थीटा है, तो जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, माइनस पी ई कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है जी। इसी प्रकार फिर अपने देखा, फिर अपने क्या किया, डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट किया, और उसमें अपन ने निकाला फॉर्मूला, एक फॉर्मूला क्या निकाला भाई, कि जो एफनेट आएगा वो क्या आएगा, अगर आपको डायपोल को ऊपर फोर्स पूछा जाए किसी एक किसी भी चार्ज की वजह से, मैं चार्ज की वजह से देखा, इन्फाइनाइट वायर की वजह से देखा, इसलिए ऐसे ही आपसे और भी बहुत कुछ पूछा जा सकता है। समझ में आ रहा है भाई, अपने इन्फाइनाइट वायर की वजह से देखा कि भाई इस डायपोल के ऊपर फोर्स बताओ, ऐसे ही क्यू चार्ज की वजह से देखा इस डायपोल के ऊपर फोर्स बताओ, ऐसे आपसे कोई भी प्रॉब्लम पुटअप हो सकता है। आपको फॉर्मूला याद रखना है क्या, एफ जो होगा वो क्या होगा, पी डी अपॉन डी आर होगा, यानी कि एफ इजिकल टू पी डी अपॉन डी आर, जहाँ पी क्या है, डायपोल मूवमेंट है, ठीक है जी। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है जी। और अपन ने इसी के साथ जो इलेक्ट्रो का जो यानी कि जो जिसमें मैकेनिक्स का जो यूज हो रहा था, आपने देखा कि पूरे जो अपने जितने भी लेक्चर पढ़े उनमें कहीं ना कहीं मैकेनिक्स का यूज हो रहा था, इलेवंथ क्लास का कहीं ना कहीं यूज हो रहा था। समझ में आया, जिन बच्चों की इलेवंथ क्लास वीक थी उनको थोड़ा दिक्कत आई होगी, तो आप लोग उनको रिवाइज करके फिर पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। अब जो अपन इससे आगे वाला जो पोर्शन पढ़ेंगे इलेक्ट्रो का, आप लोग चाहो तो उसको इलेक्ट्रो टू का भी नाम दे सकते हो, ठीक है जी। जो आगे वाला पोर्शन पढ़ेंगे उसमें आपका मैकेनिक्स वगैरह कुछ भी आइडिया, कुछ भी आपको आइडिया नहीं है तो भी आपसे भली बात ही समझ में आएगा। इट मीन्स जो बिल्कुल
जिसने 11th दिल की साफ है उसको भी आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी, आपको बस इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए जो मैंने सिखाया है। ठीक है जी, तो थैंक यू।